नमस्कार दोस्तों, एस एल गुरु जी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं जिस उपाय की बात करने जा रहा हूँ, जिस मंत्र का जिक्र करने जा रहा हूँ, वह माँ कामाख्या देवी का एक बहुत ही पावरफुल व प्रचंड मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके आप अपने बिछड़े हुए साथी के लिए या अपने साथ रह रहे अपने साथी के लिए कर सकते हैं। इसे शादीशुदा लोग और गैर शादीशुदा लोग भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, लेकिन बात नहीं है कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे बच्चियां इससे दूर रहें या आपके कार्य का नहीं है। यह बहुत ही प्रचंड टोटका है जिससे रिश्तों में मिठास ला सकते हैं। आपका साथी कभी आपको धोखा नहीं देगा। अगर धीरे धीरे प्यार कम होता जा रहा है तो आप इस माँ का बगला कामाख्या देवी के इस मंत्र का प्रयोग करें। माँ कामाख्या का ये मंत्र आप हर रोज भी जाप कर सकते हैं, अन्यथा कम से कम 5 दिन आप लगातार इस मंत्र का अपने बिस्तर पे सोते हुए ही करना है। आपको कुछ खिलाने पिलाने की जरूरत नहीं है, ना आपको घर से बाहर जाने की जरूरत है। ये बहुत ही पावरफुल व प्रचंड मंत्र है। सबसे पहले मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती रहेगी, अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। याद रहें कि इस टोटके को आप जिस दिन भी करें, जितने दिन भी करें, तो साफ सफाई और शुद्धता का सटीकता से ध्यान रखना है। शराब मांस अंडे आदि का सेवन नहीं करना, किसी अन्य अपने साथी के अलावा किसी अन्य से शारीरिक संबंध बनाना या उसके बारे में विचार करना भी गलत है। तो वह अगर आप उसे धोखा देंगे तो कहीं ना कहीं आपको इसका दुष्परिणाम भी झेलना पड़ सकता है। तो आपको बस रात्रि में, हर रोज रात्रि में जब आप बिस्तर पे सारे कार्यों से निवृत्त होकर सोने जाएं, तो केसर चंदन का तिलक अपने मस्तिष्क, गले और नाभि पर करें और उसके बाद इस मंत्र का लगातार 5 मिनट तक जाप करें। लगातार मन ही मन 5 मिनट जाप करें और सो जाएं अपने साथी का नाम लें। बस इसे आप करके देखें, फिर आपके जीवन में जो बदलाव आता है आप स्वयं उसे महसूस करेंगे, आपके सामने होगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, इस मंत्र का आप जब जाप शुरू करेंगे तो आपको स्वयं परिणाम इसका मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है और आप उसका चीज समाधान चाहते हैं, तो आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया गया। इसी साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।